एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है स्टूडेंट्स हमारे बीच में. अभिषेक ठाकुर हैं और इन्होंने जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक इनका 19 आया है. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम. और हमने सोचा कि थोड़ा सा बात करें कि जो हमारे और स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले. तो अभिषेक, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने ग्रेजुएशन और MSc कहाँ से किया है, और फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में भी बताइए. सर, मैंने BSc है वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है, DAV कॉलेज के अंडर. और अपनी MSc है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर से करी है. और सर, तैयारी करना मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले से कर दिया था, बट ये था कि कंसिस्टेंट नहीं था. बीच में टूट जा रहा था, बीच बीच में फ्लो टूट जा रहा, एक महीना नहीं पढ़ना, उसकी वजह से मेरा पेपर नहीं निकला था. फिर आप कंटिन्यूटी साथ में आई तो आप कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा. तो इस बार रैंक भी सो ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर मान लीजिए आपका तुरंत सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो आपको पढ़ाई की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है कहीं से भी. और इसमें मतलब डाउट्स और टीचर्स और इसका कितना रोल होता है किसी सर को? बहुत ज्यादा रोल होता है. जैसे कि यहाँ पे बहुत टीचर फ्रेंडली है हमारे, अतुल सर बहुत फ्रेंडली है, तो हम जब भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो ये प्रेशर फील नहीं होता था कि मतलब कि आप पूछ नहीं पाओ, समझ नहीं पाओ. हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब बैठ के आराम से डिस्कस करते थे एक बार नहीं कई बार भी पूछ सकते यस हैं. सर यस सर, तो मतलब प्रेशर को फील नहीं होता था और अच्छा लगता था. और डाउट क्लियर हो जाते थे, मतलब सारे के सारे जितने डाउट होते थे बिल्कुल अच्छा फील होता था, मतलब सर के साथ बात करके डिस्कस करके. दोबारा मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ अभिषेक को. और हम लोग एक थोड़ा सा पॉडकास्ट भी टॉक करेंगे जिसमें थोड़ा एट लेंथ बात करेंगे इन चीजों के बारे में. और मैं अभी इनको बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट इंडिया के और सारे इंस्टीट्यूट से इनका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए. तो मैं चाहता हूँ कि ये बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में अपनी PhD करें. ओके, थैंक यू.